तो आज आ चुका है हमारे पास Photronics की तरफ से काफी तगड़ा स्पीकर। तो ये है Photronics Harmony 2। तो इससे पहले भी मैंने Photronics Harmony एंड Photronics Harmony Mini की भी अनबॉक्सिंग की हुई है, आप लोगों ने अगर वो चेकआउट नहीं की है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। बट उससे पहले आप इस वीडियो को देखते हुए जाइए कि क्या ये स्पीकर उनको टक्कर दे सकता है या नहीं देता है, क्या ये Photronics सीरीज अच्छी निकाली है नहीं निकाली है, तो वीडियो में आखिरी तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करो तो मात्र 6000 में आप इसको अभी परचेस कर सकते हो, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा। तो Photronics Harmony 2 की यहाँ पर ब्रांडिंग है, DSP चिप, 60W HD साउंड यहाँ पर स्पीकर की पिक्चर दी गई है, राइट साइड में कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, बैक साइड में टाइमलेस डिजाइन एंडलेस म्यूजिक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पीकर की कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई है, 11,999 रुपीज यहाँ पर प्राइसिंग मेंशन है, बट एक्चुअल प्राइस मैं आपको इसका बता चुका हूँ, सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो सबसे पहले मिलती है हमें एक टाइप सी टू USB केबल इसको चार्ज करने के लिए, तो फिर मिलता है हमें एक कार्ड Photronics की तरफ से जिसमें आप रजिस्टर करवा सकते हो उसकी वारंटी को इसको QR को स्कैन करके। तो ये रहा हमारा स्पीकर, इसको निकाल लेते हैं। तो स्पीकर के घूंघट को हम हटा लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्पीकर, स्पीकर को ऑन करके हम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से पावर ऑन बटन को आपको दबाना है। तो यहाँ पर नीचे आ चुका है Photronics Harmony 2, इस पर कर देते हैं हम क्लिक, ऑल ऑफ एक्सेस पेयर। तो हमारा जो स्पीकर है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, एंड मोबाइल से ही आप यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी चेकआउट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी हाई क्वालिटी कोडेक का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, वही मिलता है SBC कोडेक का। तो बात करते हैं इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू पे, तो ओवरऑल बॉडी पे प्लास्टिक का यूज किया गया है, लेदर टाइप की टेक्सचर फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट पार्ट में आपको प्लास्टिक ग्रिल देखने के लिए मिलती है, इसके ऊपर फैब्रिक मटेरियल का यूज किया गया है, एंड फ्रंट में नीचे की तरफ आपको Photronics की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। सबसे ऊपर आपको मिलता है कैरी करने के लिए यहाँ पर हैंडल, एंड मेटल बेल्ट में ये हैंडल दिया गया, एंड हैंडल के ऊपर भी आपको लेदर फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है, एंड ऊपर की तरफ भी आपको इसके सभी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलते हैं पावर ऑन ऑफ बटन, बेस बूस्ट बटन, मोड बटन, एंड एक यूज वॉल्यूम व्हील आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बेस एंड ट्रेबल्स को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर आपको बटन देखने के लिए मिलते हैं, एंड लास्ट में आपको मिलता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन। बैक साइड में आपको यहाँ पर बेस रेडिएटर ग्रिल देखने के लिए मिलती है, नीचे की तरफ यहीं पर इसके सभी IOs हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है USB पोर्ट, एज अ पावर बैंक भी आप इसको यूज कर सकते हो, USB के थ्रू भी आप यहाँ पर सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो, मिलता है ऑक्स पोर्ट, ऑक्स के थ्रू भी आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो, एंड एक टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए, एंड बॉटम पार्ट में मिलती है इसमें रबर पैडिंग जिससे कि सरफेस पे अपने स्टेबल रहे। तो फाइनली बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, 60W RMS आउटपुट के साथ ये स्पीकर आता है, एंड फ्रंट पार्ट में आपको इसका स्पीकर देखने के लिए मिलता है, बैक पार्ट में बेस रेडिएटर है, 5000 mAh की बैटरी का इसमें यूज किया गया, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक आपको इसमें प्ले बैक टाइम देखने के लिए मिल जाएगा मॉडरेट वॉल्यूम पर। बट अगर आप इसको हाईली यूज करते हो, ज्यादा वॉल्यूम पर प्ले करते हो, बेस पूरा हाई करके सुनते हो, तो बैटरी बैकअप आपको और भी कम देखने के लिए मिलेगा, तकरीबन 1 से 2 घंटे तक का। इस स्पीकर में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, 10W के चार्जर से आप इस स्पीकर को चार्ज कर पाओगे, एंड इस स्पीकर को कम्प्लीटली चार्ज होने में लग जाते हैं 2 से 3 घंटे, एंड कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें मिलता है ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन जो कि ठीक है, एंड हाई क्वालिटी कोडेक का सपोर्ट आपको इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है, यानी कि AAC कोडेक का, वही है बेसिक सा SBC कोडेक। तो फाइनली अब कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का, जैसे कि मेरे चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम ना पाए। अगर आप इसका और भी म्यूजिक में साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं इसका साउंड टेस्ट डाल दूंगा। What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. I want you.
फाइनली बात करते हैं साउंड आउटपुट की, कैसा इसने परफॉर्म किया है। 60 वॉट के हिसाब से लाउडनेस काफी दमदार है। बेस की बात करते हैं तो बेस इसमें काफी अच्छा मिलता है, लेकिन डीप बेस आपको इसमें नहीं मिलेगा। वोकल्स एंड ट्रेबल्स में ये मार खा जाता है। जैसे आप इसको हाई वॉल्यूम पर प्ले करोगे तो वहां पर इसकी साउंड जो है वो मिक्सिंग होने लग जाएगी, डिस्टॉर्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां पर ये थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म करता है। बट लेकिन अगर इसको लो वॉल्यूम पर सुन रहे हो तो वहां पर ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर बेस बूस्टेड बटन का भी ऑप्शन है, तो उसको प्रेस करके आप बेस को भी इंक्रीज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको डुम डुम वाली आवाज आएगी, डीपनेस जो है बेस की वो फील नहीं होगी। तो फाइनली बात करते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। सबसे पहला प्रोज मुझे लगा ब्लूटूथ 5.3 का यहाँ पर कंपनी ने यूज किया है, एंड मल्टीपल कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, यूएसबी एंड ऑक्स। बेस बूस्टेड बटन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, वो भी काफी प्लस पॉइंट है। ट्रेबल्स एंड बेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये भी एक काफी प्लस पॉइंट है। फाइनली बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। सबसे पहले मुझे कॉन जो लगा यहाँ पर, हाई क्वालिटी कोडेक का सपोर्ट नहीं दिया है कंपनी ने। 6,000 रुपीज वर्थ कर रही है कंपनी इस स्पीकर की, एटलीस्ट यहाँ पर हाई क्वालिटी कोडेक का सपोर्ट होना चाहिए था। 5,000 mAh की यहाँ पर कंपनी ने बैटरी दे दी है, बट यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया है, तो ये इसका सबसे बड़ा कॉन है, यहाँ पर कंपनी वालों को ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली बात करते हैं आपको ये स्पीकर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्सनली अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो यार 6,000 रुपीज में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 6,000 रुपीज में आपको काफी अच्छे अदर ब्रांड्स हैं जो स्पीकर्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच है। काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, लाइक ट्रिबिट हो गया, ईयरफोन हो गया, यहाँ तक कि आपको JBL जैसे स्पीकर भी 6,000 रुपीज में मिल जाएंगे, बट वो इसकी जितना RMS आउटपुट आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें लगा है 60 वॉट का स्पीकर जो कि लाउडनेस के मामले में उन सभी को बीट कर देगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्पीकर मार खा जाएगा बेस में, क्योंकि बेस यहाँ पर इसमें इतना अच्छा नहीं दिया गया। बट इस स्पीकर को आप अपने लिए परचेस कर सकते हो होम डेकोरेशन के लिए, आउटडोर के मामले में तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये आउटडोर फ्रेंडली है, बट फिर भी अगर आपको ये स्पीकर परचेस करना है तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इस स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने के लिए। तो मैं टेक्नोमू मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।